हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th का, आप लोगों को पता है कि डीओई की तरफ से आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिल चुकी है मैथ्स की, है ना। तो इसको करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो हमने यहाँ पर अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर दिया है इस बुक से, ये लेटेस्ट एडिशन। पॉलिनोमियल्स का चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं यहाँ पर, इस मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट करा दिया है। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 से कराने वाली हूँ। ऊपर के क्वेश्चंस चैनल पे अपलोड है, वहाँ से कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहे हैं। इफ 10 ऑफ पी एक्स, एक आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, कह रहा है इफ 10 ऑफ पी एक्स इज नेगेटिव ऑफ द अदर, एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इस के की वैल्यू फाइंड करो। सबसे पहली बात, जीरोस डायरेक्टली नहीं दे रखी, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दे दी है, तो हमें यहाँ लेट करना पड़ेगा। लेट जीरोस आर अल्फा एंड माइनस अल्फा, कि वो बोला था एक जीरो दूसरे जीरो का नेगेटिव है। अब जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 4x² माइनस ब्रैकेट में है 8k² माइनस का 40k इंटू में एक्स है माइनस का 9 है। इसमें देखा जाए तो ए की वैल्यू 4 है मेरे पास, बी की वैल्यू माइनस ब्रैकेट में 8k² माइनस का 40k है, और सी की वैल्यू कितनी है मेरे पास, माइनस का 9 है। मुझे के की वैल्यू निकालनी है ना। तो मैं क्या करती हूँ यहाँ पर, सम ऑफ जीरोज निकालती हूँ, अल्फा प्लस बीटा जो होता है माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा तो अल्फा ही है, बीटा की जगह माइनस अल्फा रखना पड़ेगा, है ना। बी देखो, एक माइनस यहाँ है बी का, एक यहाँ है, ये कट के प्लस हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से इस साइन को हटा रही हूँ, कंफ्यूज मत हो ना। तो 8k² माइनस का 40k है, और ए की वैल्यू 4 है, ये तो जीरो आ गया। यहाँ पर मैंने 8k पहले ही कॉमन ले लिया है, तो एक k बचा यहाँ पर और एक 5 बचा, ये 4 ऐसी है, ये 4 यहाँ पर चला गया, जीरो बन गया। 8k, और यहाँ आ जाएगा k माइनस का 5। तो एक बार 8k को 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू 0 आ गई, एक बार k माइनस 5 को 0 के इक्वल रखा तो k की वैल्यू 5 आ गई। दो वैल्यूज मेरी यहाँ पर निकल गई k। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। कह रहे व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड टू द पॉलिनोमियल, फिर एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन। कह रहा है इस पॉलिनोमियल में से ऐसा कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करूं कि 3 जो है ना वो इसका जीरो बन जाए। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी ऊपर भी किया था, जो हमारे वन वर्ड वाले क्वेश्चन थे, 1 to 10 वाले, उसमें बस वहाँ एडिट था, यहाँ पर सब्ट्रैक्टेड है। ठीक है, अब देखो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास। सबसे पहली बात, जो मुझे पॉलिनोमियल दे रखा है मैंने वो लिख लिया है यहाँ पर। कह रहा है कि 3 इसका जीरो बनाना है। मैंने एक बार यहाँ 3 रख के देखा कि रिमाइंडर बच क्या रहा है, ये तो पता चले। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, प्लस का 4 हो गया, यहाँ पर माइनस का 6 प्लस का 4, मेरा रिमाइंडर माइनस का 2 बच रहा है। तो इसका मतलब मुझे इसको जीरो बनाना है, माइनस टू की जगह मुझे, मेरे पास जीरो आना चाहिए, तो 3 उसका जीरो बनेगा पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करूँ, तो अगर मैं इसमें माइनस टू और सब्ट्रैक्ट कर दूँ, यहाँ आपको साइड में करके दिखा रहा हूँ, इसमें माइनस टू और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, जीरो आ रहा है ना, आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसका मतलब कह रहा है व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, तो रिक्वायर्ड नंबर निकल गया मेरा यहाँ से, वो तो आ गया मेरा माइनस टू। याद रखना सब्ट्रैक्टेड कह रहा है, तो एक साइन तो सब्ट्रैक्शन का ही होगा और दूसरा माइनस टू है तो वो प्लस टू बन जाएगा, फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। हाउ मेनी मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कैन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम और मिनिमम कितने नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं। आपको पता है मैक्सिमम सिर्फ 2 हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि उसकी हाईएस्ट डिग्री जो होती है वो क्या होती है, 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और मिनिमम आपके पास 0 हो सकता है, एक भी ना। ठीक है, तो आज की क्लास में 3 क्वेश्चन और कवर हो गए हैं हमारे, आगे के क्वेश्चंस फिर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे।
डेली बेसिस पे मेरे साथ आप इस बुक करते रहिए ताकि प्रिपरेशन होती रहे साथ के साथ। हार्डली एक दिन में 4 to 5 क्वेश्चन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो ईजिली जो इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो आपके कवर हो जाएंगे एग्जाम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आगे के कहीं दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ, वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिए। इससे पिछले साल का जो सपोर्ट मटेरियल है ना वो पूरा चैनल पे अपलोड, तो जो बाकी के चैप्टर्स हैं वो आप उससे भी कर सकते हो, ठीक है। एक और चीज़, आपने अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है जल्दी से एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।